संविधान पर हमला आ रहा था, राइट टू डिसेंट खत्म किया जा रहा था, मानवीय अधिकार हमला आ रहा था, ये सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, ये नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम उसको निगरानी करके उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए आवाज उठाते रहे, सभी का धन्यवाद तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, सभी संस्थाओं पर जिन्होंने सहयोग किया है, शिव मूर्ति की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित कर किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम फिर उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे, फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन में झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पर आए हैं और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के